विवेक जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी बीते दिनों लाइट के लिए पाई यहाँ पे पोल लगाया गया था। ये पोल आप देख सकते हैं पूरे तरीके से टेढ़ा हो गया है और इस बॉर्डर पे पाइप लगी हुई है, जो पाइप आगे देख सकते हैं पूरी तरीके से टूट चुका है। ये किसी दुर्घटना में ही ये हमें लग रहा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन इस संबंध में जो ACPL टोलवे कंपनी के जिम्मेदार पे ये रोड और आपकी पुल है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से डैमेज क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस पे कोई विभाग अभी तक सक्रिय नहीं है। अभी बीते हमको लग रहा है एक सप्ताह भी नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने सोनपुर से छलांग लगा दी थी। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिगत अगर ये लगाया जाए तो लोगों को कूदने में समस्या होगी। यहाँ से कई लोग इसमें गिर चुके हैं। अभी बीते दिनों सोनपुर पे एक व्यक्ति कूद गया था नीचे, जो डाला का रहने वाला था। ठीक है, आप बता रहे थे कि किसी का जो है गर्दन जो कटी थी वो पुराने पुल पे कटी थी, वो पाइप के वजह से ही बताया गया था। अभी हम आपको उसको भी दिखाते हैं। ठीक, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि कुछ निर्माण का कार्य चल रहा है। वैसे तो यह पुल 2015 के पहले डेड यानी कि एक्सपायरी घोषित कर दिया गया था, बावजूद इसके इस मरे हुए पुल पर काम चलता रहता है जहां से भारी वाहन नहीं जा सकते हैं, लेकिन भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना को दावत देने के लिए इसको रिपेयर कर करके काम चलाया जा रहा है। क्या वजह है, सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। क्या जनता की जो जान को क्या जोखिम में डाला जा सकता है। इस तरीके कुछ हादसे आपने देखे होंगे कि बिहार में भी एक हादसा हुआ था, यहाँ से देखिए आप निर्माण कार्य चल रहा है इनका, मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिहार में बहुत बड़ा पुल गिरने का बहुत बड़ा हादसा हुआ था और कोई नई बात नहीं है, ये जगह जगह होती रहती है। ये सोनभद्र का सोन नदी पर बना हुआ यह पुल है, जिसपे जनता को जवाब मांगना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि भविष्य में अगर कोई हादसा होता है तो क्या होगा। इस टूटे हुए एक्सपायरी पुल को जब यह स्टेट हाईवे 2015 में बनाया गया तो उसमें इसको इंक्लूड कर दिया गया और इस पर बराबर कुछ ना कुछ कार्य चलता रहता है, तो कार्य चलता रहता है तो कैसे काम चलेगा। आने वाले समय में क्या किसी बड़े हादसे को सब कुछ जानते हुए भी निमंत्रण दे रहे हैं, ये क्या वजह है, क्या यहाँ के जन प्रतिनिधियों को या जनता को यह सब दिखाई नहीं देता है। हमेशा यहाँ मरम्मत का कार्य चलता रहता है, जनता को सवाल पूछना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। मैंने इस प्रश्न को उठाया है, अगर आपको सही लगता है तो इस प्रश्न को आगे बढ़ाइए और इस सवाल का जवाब मांगिए।